प्यारे भैया बहनों, आज अपन कक्षा सप्तमी के हिंदी विषय का पार्ट चार पढ़ने जा रहे हैं। अपना पार्ट चार जो है उसका शीर्षक है मेरी वसीयत। शीर्षक क्या है? मेरी वसीयत। वसीयत क्या होती है? वसीयत किसी महापुरुष द्वारा उसके जीवन में लिखी गई कोई ऐसी बात जो वो अपने मृत्यु के पश्चात किसी से चाहता हो, इसका संबंध वसीयत से होता है। दूसरा, संपत्ति संबंधी वसीयत होती है। तो यहाँ पर नेहरू जी ने अपने जीवन में मरने से पहले एक वसीयत लिखी, एक विचारधारा लिखी कि उनके मरने के पश्चात उनके जीवन का क्या किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, उसके पश्चात आप देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब नेहरू जी ने अपनी वसीयत में क्या लिखा है, इस बात को इस पाठ के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतना मोहब्बत दी कि मैं चाहे जितना कुछ करूं, वह उसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। वो भारत के लोगों के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना दुलार दिया कि मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं। प्रेम के बारे में कहा है कि प्रेम ऐसी वस्तु होती है जिसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा की गई, लेकिन भारत के लोग ने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। वो देश के सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि इनके प्यार में मैं दब गया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा, यानी कि जब तक मैं जीवित रहूँगा अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा, ठीक है, उनके प्रेम के योग्य साबित होऊंगा। बेशुमार दोस्तों और साथियों ने के मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान है। वो कहते हैं जो मेरे साथी लोग हैं, मेरे सहयोगी हैं, उनका मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान है। देशवासियों ने उन्हें प्रेम दिया, सहयोग दिया, लेकिन जब बड़े काम के लिए आगे निकलते हैं तो सहयोगियों का, सहपाठियों का विशेष योगदान होता है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया। नेहरू जी आगे अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि हम लोगों ने बड़े से बड़े काम मिलजुल कर किए, उनमें कामयाबी होती है, नाकामयाबी होती है, मगर हम सब शरीक रहे जीवन में। कामयाबी और नाकामयाबी में उनके जीवन में जितने साथी थे सभी उनके साथ रहे, कामयाबी खुशी में भी और नाकामयाबी दुख में भी, यानी कि उनका सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया। फिर आगे थे, मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा न की जाए। वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं की जाए, मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बन जाना, धोखे में पड़ जाना, ये सब मानते हैं। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। नेहरू जी कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। आगे कहते हैं, अगर विदेश में मरूं तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद में भेज दी जाए। तो कहते हैं कि यदि विदेश के अंदर मरूं तो मेरा दाह संस्कार विदेश में कर दिया जाए और उन अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए, उनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए और उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। उनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचा कर न रखा जाए। क्या कहते हैं कि जो उनके अस्थियों का हिस्सा है उसे बचा कर नहीं रखना। गंगा में अस्थियों को हिस्सा डालने की इच्छा
के पीछे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कोई धार्मिक ख्याल नहीं है, इसके बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इनमें बदलते हुए रंगों को देखा है, यानी कि गंगा और यमुना का जल जो है मौसम के साथ बदलते हुए नेहरू जी को अत्यधिक प्रभावित करने वाला था। और नेहरू जी ने जो है अपना नदियों के प्रति जो लगाव बताया है, क्योंकि नदियाँ जो है हमारी पवित्रता की निशानी है, नदियाँ हमारे लिए पवित्र मानी जाती है। फिर आगे उनका कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक कथाओं की, उन गीतों की और कहानियों की जो कि कई युगों से उनके साथ जुड़ गई और उनकी बहते हुए पानी में घुल मिल गई। पवित्र नदियों के बारे में प्यारे भैया बहनों कई गीतों की कहानियाँ बनी हुई है, कई पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई, तो इन बातों को लेकर नेहरू जी कहते हैं कि नदियों से मेरी पौराणिक परंपराओं के साथ मेरी धारणा जुड़ी हुई है, मैं इन्हें पवित्र मानता हूँ और इनके उपकारों को मैं समझता हूँ, अर्थात नदियाँ जो है देश के विकास में सहायक है। फिर आगे उन्होंने कहा, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई भारत की जाति स्मृतियाँ, उसकी आशाएँ, उसके भय, उसके विजयगान, उसकी विजय और पराजय, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। अब नदियों के द्वारा कई प्रकार के उपजाऊपन की कृषि भी बनती है, लोगों को पानी मिलता है, तो नदियों में कई प्रकार की बाढ़ें आती है, विनाशकारी घटनाएं घटती है। इन बातों को नेहरू जी ने कहा है कि नदियां जो है कई बातों को लेकर हमारे सामने एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत करती है, उसके विजयगान की ले सकते हैं, उसके द्वारा किए गए खेती के ऊपर जल का जो प्रभाव था उसके बारे में कहा गया, तो ऐसी घटनाएं नदियों जो नदियाँ जो होती है वो सामने प्रकट करती है। और गंगा को उन्होंने प्राचीन सभ्यता का प्रतीक माना है, गंगा नदी को उन्होंने प्राचीन सभ्यता का प्रतीक माना। अब नदियाँ क्या करती है, प्रत्येक मौसम में अपना अपना रूप बदलती रहती है। कहते हैं सदा बदलती रही, सदा बहती रही गंगा, वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की गहराई, घाटियों की जिसमें मुझे मोहब्बत रही, उनके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों को, जहाँ काम करते करते मेरी ज़िंदगी गुजर गई है। नदी के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए नेहरू जी बताते हैं किस प्रकार से वो घाटी वाली नदियाँ हैं, उनके आसपास किस प्रकार से उपजाऊ मैदान है, खेत है, और ये हमें कई प्रकार के दृश्यों की याद दिलाते हैं। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा, प्रातःकाल का दृश्य आप जानते ही हो, नदियों का पानी का अलग होता है, उछलते कूदते देखा और देखा है शाम के साये से उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, भेद भरी जाड़ों से सिमटी हुई, आहिस्ते आहिस्ते बहुत ही सुंदर धारा और बरसात में दौड़ती हुई, समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए, यही गंगा मेरे लिए निशानी है, भारत की प्राचीनता की यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। अर्थात नदियों के ऋतुओं के साथ परिवर्तन को लेकर नेहरू जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया और कहते हैं कि नदियों के जल से ही सागर बनता है और सागर की विशालता नदियों के पानी से ही बनी है। अब फिर आगे उन्होंने कहा, भले ही मैंने पुराने रीति रिवाज रस्मों को छोड़ दिया हो और मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वो जकड़ा है, अर्थात रीति रिवाज परंपरा को मान्यता न देते हुए वो सभी मानव जाति को एक रूप में मानते हैं, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों के फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है, जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है, चाहे यह सब मैं चाहता हूँ फिर भी मैं इन्हें चाहता हूँ कि अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग करूँ, अर्थात प्रत्येक की अपनी अपनी संस्कृति होती है और संस्कृति के अनुरूप व्यक्ति को अपने आप में ढालना चाहिए। नेहरू जी का कहने का अभिप्राय यह है कि हम पुराने रीति रिवाज को न माने लेकिन हमारी जो परंपरा है उनको हमेशा अपने जीवन में लागू रखें। मुझे फख्र है इन शानदार उत्तराधिकारी का, वो कहते हैं कि मैं भारत का उत्तराधिकारी बना हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, इस विरासत का जो हमारी रही है, जो हमारा भारतवर्ष है और हमारी है। और मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी हम सब की तरह इन जंजीर में कड़ी हूँ, कहते हैं मैं भी हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अंग जो कि कभी नहीं और कहीं भी नहीं टूटी,
और जिसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास से प्रारंभ चला आ रहा है, अर्थात जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, वो जीवन में हमेशा चली आएगी। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं उसकी बेहद कद्र करता हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, इन सबको कोई भी व्यक्ति भुला नहीं सकता और मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। संस्कृति से, सभ्यता से और रीति रिवाज से व्यक्ति को हौसला मिलता है और वह देश हित के लिए या समाज हित के लिए कार्य करता है। मेरी आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान के को घेरे हुए। अब अंतिम में वसीयत का उन्होंने यही भावार्थ बताया कि जो मेरी मिट्टी है, मेरी जो भस्म है, उसको क्या किया जाए, गंगा नदी में बहा दी जाए। और एक मुट्ठी गंगा नदी में बहाने के बाद उनका पीछे भावार्थ है कि गंगा जैसे पवित्र जल में मिलकर उनकी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और उनके शरीर का जो बाकी हिस्सा है या जो जला हुआ भाग है दाह संस्कार के बाद, उसका क्या जाए, उसके बाद फिर उन्हें पुनः लिखाएगी। मेरी भस्म के बाकी हिस्से को क्या किया जाए, मैं चाहता हूँ कि उसे हवाई जहाज के ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। अब पूरे पाठ के पीछे इस वसीयत में नेहरू जी का भावार्थ यह है कि पूरा जीवन जो है उनका देश के लिए समर्पित है। देश में उनका पूरा जो योगदान था स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने में, और जब देश को आज़ादी मिली तब वो पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश को सामने आए और उस देश के लिए उन्होंने सुखद भविष्य को बुना। कई प्रकार की उनकी पुस्तकें भी है और जिसमें उनकी पुस्तकें भारत एक खोज, आखिरी वसीयत, ये इनकी देश प्रेम के लिए प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो हमने मेरी वसीयत में नेहरू जी द्वारा अपने मन के जो विचारों को लिखा गया था उनको पढ़ा कि हिंदुस्तान की जनता से उन्हें बेहद लगाव है, सभी लोग उन्हें आत्मा से प्रिय हैं और प्रेम का मूल्य चुकाया नहीं जा सकते। नेहरू जी ने अपने जीवन में जो कामयाबी हासिल की उसके लिए उनके साथियों का विशेष योगदान था और साथियों के योगदान से ही वे बड़े से बड़े कामयाबी में सफल हुए और गंगा की जो धार्मिक प्रवृत्ति है या गंगा की जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है उसके बारे में उनकी कितनी जो उदारता है या गंगा के समग्र स्वरूप के प्रति उनकी क्या धारणा है, इस पाठ के माध्यम से हमने समझा है, जाना है। तो इसमें हमने देखा कि नेहरू जी ने मरने से पहले अपने जीवन का अंत किस प्रकार से किया और उनकी क्या इच्छा थी। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है कि वो देश प्रेम को समझें, हम सभी लोग देश के महत्व को समझें, हमारी संस्कृति को समझें, यही इस पाठ का उद्देश्य है। ठीक है, धन्यवाद।